बद्रीनाथ उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी की प्रचार प्रसार के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गोपेश्वर पहुंचे। भाजपा प्रत्याशी के नामांकन के बाद बस स्टैंड गोपेश्वर में मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार लगातार उत्तराखंड के विकास के लिए काम कर रही है। ऑल वेदर रोड के साथ ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, बद्रीनाथ और केदारनाथ में मास्टर प्लान के तहत हो रहे विकास कार्य पर काम कर रही है। बद्रीनाथ विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी की जीत के बाद यहां प्राथमिकता में आधार पर विकास कार्य किए जाएंगे। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। अभी अभी विधानसभा लोकसभा के चुनाव में भारी अंतर से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीती है। यहाँ से प्रत्याशी लंबे समय से क्षेत्र में काम करते रहे, पहले जो बैठे ने भी अपने समय के काफी सारे काम यहाँ के आगे बढ़ाए हैं और उन सभी कामों को गति मिली है। तेज गति से विधानसभा का विकास होगा। राजेंद्र भंडारी को जिताए, भारतीय जनता पार्टी को जिताए और यहाँ के विकास को लेकर हम पहले से संकल्पबद्ध हैं। जी बाबा, ये भगवान गुरुपाल की धरती है, भगवान गोपीनाथ जी की धरती है, और डबल इंजन सरकार राज्य में तेजी से काम कर रही है और हमारे प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड का तेजी से विकास हुआ है, काम हो रहा है, जो काम तेजी से आगे बढ़ेगा। सर, मैं भारतीय जनता पार्टी जनपद चमोली और विशेषकर बिना विधानसभा में कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और जिस प्रकार से अभी हमने उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीट और विशेषकर गढ़वाल लोकसभा चुनाव फतह किया है, बद्रीनाथ विधानसभा से हम 8,500 मतों से आगे रहे। निस्संदेह हमें रास्ता लगता है कि जो आने वाला उपचुनाव है हमारा 10 तारीख को, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता काम पर लग गए हैं। अन्य जगहों के कार्यकर्ता भी यहाँ काम देख रहे हैं। हम सब लोग मिलकर के पन्ना प्रमुख तक के कार्यकर्ता मिलकर के और आम जनमानस का जिस प्रकार से स्नेह सहयोग मिल रहा है, हम सब लोग मिलकर के आने वाले 10 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी जी को भारी मतों से विजय मिलेगा।